नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1136वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1136वां दिन। और इस वीडियो में आप सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि तीन स्लाइड होंगे जो कि एन से शुरू होंगे और जिसकी संख्या होगा उस वर्ड में इंग्लिश वर्ड की संख्या 14 लेटर होगा। साथ में एक टेक्स्ट होगा और कुछ मतलब तीन तरह से इसको समझिए कि थ्योरी है ना, थ्योरी समझते हैं, थ्योरी थ्योरी जैसे किताब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सीधा समझिए थ्योरी थ्योरी, उसके बाद थ्योरी के बाद प्लस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ठीक है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी समझिए अपना, यानी कि आपके दिमाग में इंग्लिश को लेकर जो भी समस्या है उन सबको समझना है तो शुरू वाले पार्ट को देखिए, नहीं तो अगर सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं तो आप आधे के बाद यानी कि 12 मिनट के बाद से आप वीडियो देखिए लगभग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले थ्योरी वाली बात क्यों, जो कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा कि ए से लेकर जेड तक जो ABCD होते हैं उसे अल्फाबेट नाम दिया गया है और उस अल्फाबेट में से दोस्तों ए, ठीक है क्या ए ई आई एकदम क्रमशः ओ और यू, इसे यानी ये जो पांच है पांच को हटा देंगे, जो बचेगा वो सारे के सारे 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 कौन से BCDEFGHJKLMNPQRSTVWXYZ इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला का जाता है। अब देखिए जिसमें B को ब, C को क श, D को ड द ज, F को फ, G को ग ज, H को बोलते हैं ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न ण, P को प, Q को क्यू और क्यू को क, आर को र, आर को ड, एस को स ज, टी को ट त और च स बोला जाता है। उसके अलावा वी को व व, डब्लू को भी व, एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा तब एक्स को एक्स और एक ज दोनों बोलेंगे, वाई को य और ई भी बोलते हैं, जेड को ज झ, सी आई को श, सी ई को स, क से सी एच होता है, सी के होता है, क्यू होता है, क्यू यू ई होता है। तो दोस्तों आप इसे नीचे जो दिए गए वर्ड्स है, ठीक है जो ये वर्ड दिए गए हैं आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे। अब देखिए बात करेंगे हम लोग ए ई आई ओ यू को कितने तरह से कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। संख्या में वोवेल कितने होते हैं, पाँच होते हैं, जैसे कौन कौन से ए ई, उसके बाद आई ओ यू और डबल ओ। अब देखिए ए को चार, ई को पाँच, आई को पाँच, ओ को चार, यू को चार और डबल ओ को पांच तरह से उच्चारण करते हैं, जिसमें तीन देखिए यहाँ पर सब दो तो सभी में कॉमन है। देखिए सभी में यानी सभी कोई भी वोवेल होगा किसी भी लेटर के बगल में, किसी भी कॉन्सोनेंट के बगल में जब कोई भी वोवेल आ गया तो अ और आ तो होंगे ही, है ना, सभी में आ है देखिए। और ई और आई की बात करते हैं तो यहाँ ई ई भी जोड़ सकते हैं, और ओ यू डबल ओ की बात करते हैं तो ओ ऊ ऊ भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से देखें कि जो बचता है इसे यू को, यू को क्या यहाँ यू है तो यहाँ यू बोला जा रहा है, ओ है ओ तो यहाँ बोला ही जा रहा है, आई है आई को आई बोला ही जा रहा है, ई है तो यहाँ पर है और हालांकि ये भी बोलते हैं हम लोग, और ए को ए बोला ही जा रहा है। तो इजी याद करना। और इससे रिलेटेड वर्ड्स देखिए यहाँ पर है, जैसे मेडल में हुआ तो मेडल उच्चारण हो रहा है मॉल मेड मैन, उच्चारण इसी की तरह हो रहा है। या मार्बल में देखिए ई को आ बोलते हैं, पेन में ई को ए बोलते हैं ए, इस तरह से पीस में ई को बड़ी बोलते हैं पी, है ना बड़ी मात्रा के रूप में इस तरह से लिखते हैं। सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में, पीन में आई का उच्चारण ई के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में टायर, सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में टोन, बट में ओ का उच्चारण अ के रूप में, पुट में अ ये अ हो गया, पुट में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में, छोटी ऊ हो जाएगा बड़ी ऊ नहीं, और म्यूट में यू का उच्चारण ई यू के रूप में म्यूट। इधर देखिए सभी में है, या देखिए फ्लड का डबल ओ का उच्चारण फ्लड में फ्लड वर्ड है, इसमें डबल ओ को अ बोलते हैं, यहाँ पर रूम में डबल ओ को ऊ बोलते हैं, यहाँ पर डबल ओ को ओ उच्चारण करते हैं फ्लो।
तो हुआ ना, इन सब को आप अच्छे तरह से क्रमशः याद करें, और याद करने के बाद देखें कि क्या दिक्कत। सबसे ज़्यादा वोवेल आपको हेल्प करेगा, या सबसे ज़्यादा आपको वोवेल ही नहीं समझते हैं तो पढ़ने नहीं देता है, सही से उच्चारण करने नहीं देता है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए, तीन साइड में देखिए, ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और इसे आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एज इट इज़ याद करते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि यही सब पार्ट्स ऑफ वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। तो तीन स्लाइड है, तीनों स्लाइड का आप अच्छे से याद कीजिए, ये आपका आपका उत्तरदायित्व है कि आप इसे याद करते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो ये इसे याद कीजिए, और ये देखिए सर्कल मैंने किया है, इसे याद कीजिए। ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करने से आपको फायदा ही होगा। नेक्स्ट जो है ये थर्ड स्लाइड है, और थर्ड स्लाइड में ये रहा, ये वाला याद रखिए, यहाँ थर्ड स्लाइड में ये रहा, ये याद रखिए। तो क्या ये सब जो है आपको समझ लेना होगा अच्छे से। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करेंगे तो इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा, नहीं तो मैं अभी टेक्स्ट जो बताऊंगा उसके बाद आप समझ में आएगा कि कैसे होता है। चलिए टेक्स्ट पे ही सीधा चलते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, और इसमें मैं ये प्रूफ करूंगा कि भाई जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है वो यहाँ रिपीट हो रहे हैं। जाहिर नहीं कि सभी हों, लेकिन जब थोड़े से में इतना हो जाएंगे तो भाई, रोज मैं टेक्स्ट बदल रहा हूँ तो ज़्यादा में कितना होगा, अगर समूचा में कितना होगा सोचिए। तो हर एक तरह के वर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे, हालांकि इसे 40 से 50 सेकंड में पढ़ लिया जा सकता है एक स्लाइड का जो यहाँ पर है, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा समझा समझा कर बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और दिक्कत ना हो। तो दोस्तों जितना जल्दी आप सीखेंगे पढ़ना, उतना जल्दी क्या होगा ना कि बहुत सारी बातों को समझने लगेंगे, और सोशल मीडिया में हो या कहीं भी हो, लगेगा कि हाँ आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, और कभी भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि अक्सर पढ़ते समय लोग गलतियां कर बैठते हैं, तो गलती से बचना है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा होगी, सब कुछ यहाँ पर हम लोग देखेंगे आराम से। देखिए दे, दे विल बी एबल, ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड, हालांकि यहाँ दूसरी तरफ से आया एबल। टू गेट विद ग्रेटर, देखिए ग्रे ग्रेटर 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 इन, देखिए पार्ट है हमारा कम कम सी यू एम कम, तो इनकम सम ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। ना ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, यहाँ पर आओ का उच्चारण हुआ है आओ, ठीक है आओ। तो नाउ व्हाट, इसमें एच साइलेंट है, व्हाट में इज द इनकम ऑफ ए कंट्री, टी आर वाई को ट्री बोलते हैं, कंट्री। उसके बाद देखिए इन इन, ये भी पार्ट है ना, तो इन ट्यू टिव, टिव को भी एक पार्ट बोलते हैं, इनको भी अली को भी पार्ट बोलते थे। इन ट्यूटिवली द दी नहीं बोलते, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स 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 ऑफ द कंट्री दिस गिव्स अस द टोटल, एल को याद रखिएगा, टी लगा टल हो गया, इनकम ऑफ द कंट्री हाउ एवर फॉर कंपेरिजन, इसको क्या बोलते हैं, कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर इसको जब बोलते हैं, मेजर सिंस सी को स बोलते हैं, सिंस कंट्रीज इज बोलते हैं, आई इसको हैव डिफरेंट इंडिपेंडेंट बोलते हैं, अलग रेंट हो गया, पॉपुलेशन सन को याद रखिए, पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेलस वॉट एन एवरेज एज को एज बोलते हैं, एवरेज ई आर को आर पी लगा पर पर्सन इज लाइक, और ये देखिए लाइकली टू अर्न आर पीपल इन द इन, देखिए लाइकली टू अर्न आर पीपल इन वन कंट्री और ये देखिए ट्री कंट्री वेटर ई आर को आर टी लगा वेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री हेंस ई एन सी को हेंस बोलते हैं एच लगा तो हेंस हो गया हेंस वी कंपेयर द
एवरेज 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 इनकम विच इज इसको यहाँ से थोड़ा सा समझिए अलग है, इज विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों ऐसे ही हर एक सेंटेंस को हर एक वर्ड्स को आपको पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा समस्या जो पढ़ने पे, इसीलिए मैंने पढ़ने पे ही फोकस लगा रखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना सीख जाए। 1,44,00,000 की आबादी आज के समय में है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे वीडियोज़ जो है 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच के लोग देखते हैं, मोस्ट ऑफ यूज मतलब 90% वीडियोज़ जो हमारे व्यूज आते हैं इन लोगों से आते हैं। तो आपको मैं ध्यान में रखते हुए बताता हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए देखते हैं कि भाई जो सिंगल सिंगल वर्ड्स उसको कैसे उच्चारण करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक देंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, और ओमनीसेंट नाम से प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए चाहे रीडिंग करना हो या राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ सीखेंगे, हर एक सेंटेंस पे बात होती है बिना ग्रामर के बिना डिक्शनरी के लिए, क्योंकि डिक्शनरी के सारे वर्ड्स को तो मैंने यहाँ लिया ही, ग्रामर से रूल रेगुलेशन को मैंने सेट कर दिया सेंटेंस फॉर्मेट पे। तो बस 6 से 8 रजिस्टर की कॉपियाँ जो है जो आप लिख लेंगे ना तो बस आपका काम बन जाएगा, जीवन भर के लिए आपका इंग्लिश लिखना भी सीख जाएंगे बोलना भी सीख सकते हैं। तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रोज रोज वाले वर्ड्स जो कि 14 लेटर वाले वर्ड्स, ये समझिए कि 14 लेटर वाले वर्ड्स का जब समापन हो गया है अब एन के बाद क्या आता है MNO, अब ओ वाले वर्ड शुरू करूँगा मैं, और इससे देखिए जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है सारे के सारे वर्ड्स रहेंगे जो कि 3 लेटर से स्टार्ट हो जाएंगे, 3 लेटर से 4, 5, 6, 7 14, 15 तक आएगा। तो दोस्तों यहाँ वर्ड कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए प्रीफिक्स पार्ट हमारा है नॉन, कन भी हमारा क्या है वर्ड ही है लेकिन यहाँ क्योंकि प्रीफिक्स के रूप में नहीं आया लेकिन आया तो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और सन भी हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो कंस नॉन कंस्ट्रक्शन, नॉन कंस्ट्रक्शन कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए नॉन कल, नॉन कल यहाँ देखिए नॉन कल्टीवेशन सन है नॉन, देखिए यहाँ पर देखिए नॉन ये प्रीफिक्स पार्ट है सन हमारा सफिक्स पार्ट है हुआ ना। नॉन क्रेडेंशियल सियल्ड, नॉन क्रेडेंशियल्ड। नेक्स्ट है तो नॉन क्रिएटिविटीज, नॉन क्रिएटिविटीज, नॉन डी पार्ट पार्ट MENMENTAL, नॉन डिपार्टमेंटल, नॉन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है तो नॉन डिस, नॉन डिस जंक्शन, नॉन डिस जंक्शन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट है नॉन कोइंसिडेंसेस, ENCENS है एस तो लग ही जाता है तब भी उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, नॉन कोइंसिडेंसेस। नेक्स्ट जो है नॉन कैरिस्मैटिक्स। नेक्स्ट देखिए नॉन सर्टिफिकेटेड, टेड को याद रखिए। नेक्स्ट जो है नॉन सेलिब्रेशंस, नॉन सेलिब्रेशंस। दोस्तों ये जो है पार्ट्स जो है आपको देखेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू भी हेल्प मिल रहा होगा यहाँ पर। नॉन एक्स एक्सप्लॉयटेटिव, नॉन एक्सप्लॉयटेटिव। नेक्स्ट देखिए नॉन एक्सप्लॉयटेशन, नॉन एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है नॉन एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट देखिए नॉन कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर देखिए नॉन कंटेम्पोररी, नॉन कंटेम्पोररी। नेक्स्ट जो है नॉन कन्वेंशन, सन के साथ जो है अल है, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कोरेलेशंस, नॉन कोरेलेशंस। नेक्स्ट जो है नॉन कोऑपरेशंस, नॉन कोऑपरेशंस। नेक्स्ट देखिए नॉन कंजर्वेशंस, नॉन कंजर्वेशंस, नॉन कंजर्वेटिव। नेक्स्ट बस सर्कल पे कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ वाकई में एक आ रहा है।
नॉन कंसोलिडेटेड है ना, डेटेड डेटेड हो गया, एक वही एक रूप उच्चारण करता है। नेक्स्ट देखिए नॉन कंजम्पशंस, नॉन कंजम्पशन। दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप अच्छे से एक बार बोल के देखें, जाहिर सी बात समझ में आएगा, नहीं तो एक बार देखिए क्लीन कर लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे अच्छे से बोल सकते हैं। अब फिर दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो ये रहा सो नॉन मेट्रो, नॉन मेट्रोपॉलिटन है ना, नॉन नॉन मेटाफोरिकल। नेक्स्ट देखिए नॉन मैथमेटिकल। नेक्स्ट है नॉन मैट्रिक्यूलेटेड, टेड को याद रखिए। नेक्स्ट जो है नॉन हेरार्किकल, हेरार्किकल है ना, थोड़ा सा इसी तरह का वर्ड तो लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे से सुनिए कैसे पढ़ा जाता है। नॉन हॉस्पिटलाइज्ड, यहाँ पर देखिए नॉन हॉस्पिटलाइज्ड है ना, नॉन हॉस्पिटलाइज्ड इस तरह से जो लिखा जाता है। नॉन फ्लेम एबिलिटी। नेक्स्ट है नॉन गवर्न, ई आर कौन बिलो वर्ड, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन फुलफिलमेंट्स। नेक्स्ट जो है तो नॉन इक्विवेलेंसेस। नेक्स्ट देखिए नॉन एनफोर्स, नॉन एनफोर्समेंट। नेक्स्ट जो है नॉन एनकैप्सुलेटेड। दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स पढ़े जाते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ के देखिए एक बार कि कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं आप और समझ सकते हैं, वर्ड भी आपको मिस्टेक नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, हम थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन लाइक तो जरूर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए। नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद ऑन नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।